तो पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कल वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव उतर रहे। दोनों पहली बार एक साथ रोड शो करने जा रहे। पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय के लिए प्रियंका और डिंपल रोड शो करेंगे। रोड शो करीब 3 किलोमीटर लंबा होगा जो 2 घंटे में पूरा होगा। एक तरफ रोड शो को कामयाब करने के लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सवाल ये कि मोदी योगी का जवाब अब दीदी और भाभी की नई जोड़ी कैसे दे पाएगी। देखिए हमारी ये ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जो कह रहे हैं कि यह धर्म की लड़ाई है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि यह राजनीतिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा, और इस समय सबसे बड़े राम भक्त हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। चुनाव के 2 चरणों की लड़ाई में एक नया मोर्चा खुल गया है। ये मोर्चा है कांग्रेस की प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव का। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं दूसरी तरफ इनसे भिड़ने के लिए इंडी गठबंधन ने प्रियंका और डिंपल को एक साथ ला खड़ा किया है। शनिवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव एक साथ एक मंच पर नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका और डिंपल रोड शो करने जा रही हैं। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब प्रियंका और डिंपल साथ साथ रोड शो करेंगी। वाराणसी से इंडी गठबंधन उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में 25 मई को रोड शो किया जाएगा। रोड शो वाराणसी में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अजय राय के पक्ष में होने जा रहा है, लिहाजा इनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। डिंपल जी भी रहेंगे और आदरणीय प्रियंका जी रहेंगी, दोनों लोगों का सामूहिक रोड शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति सम्मेलन किया, प्रियंका गांधी आदिशक्ति का दर्शन कर, तो क्या आदिशक्ति के दर्शन करके ये जवाब दिया जाएगा मातृशक्ति? नहीं, देखिए जवाब नहीं, वो तो माँ की आराधना करना है। मोदी जी अपनी बीबी की ही रक्षा नहीं किए, अपनी बीबी के साथ ही नहीं रखे, तो उनको मातृशक्ति का और नारी वंदन करने का अधिकार ही नहीं है। रोड शो के लिए तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वजह है इंडी गठबंधन के इन 2 लेडी नेताओं की जोड़ी, जो सियासत की दुनिया में पहली बार बनी है। दोनों पहली बार एक साथ एक रोड शो में नजर आएंगे। बड़ी बड़ी बातें मंच पे, देशभक्ति की बातें मैं पूछना चाहती हूँ, कौन है वो देशभक्त जो इस देश को, इसकी आत्मा को नहीं समझ पाया, जो इस देश के किसान का आदर नहीं कर पाया, कौन है वो देशभक्त? नरेंद्र मोदी जी हैं? मुझे तो नहीं लगता। जिसने इस देश के किसानों को देशद्रोही कहा, इस देश के शहीदों को देशद्रोही कहा। जब तक राय बरेली और अमेठी में चुनाव नहीं हुए थे, तब तक प्रियंका राय बरेली के साथ साथ अमेठी में फुल एक्टिव रही। अब पूरे देश में जनसभाएं कर रही हैं। प्रियंका एक अच्छी वक्ता हैं। राहुल गांधी से अलग वो अपना खास तरह का पीपल कनेक्ट रखती हैं। 5 किलो राशन देना मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी
भोजन का अधिकार लाई थी आपके लिए। भोजन का अधिकार का मतलब है कि हर गरीब परिवार को कोई भी सरकार आए जाए उसको राशन देना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी से आपको राशन मिलता है, उनकी मजबूरी है, कानूनी अधिकार है आपका। रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी लंबे वक्त से दूर थे। राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बना ली थी, अपने गढ़ में ही गांधी परिवार लापता था, तो बीजेपी के लिए खुला मैदान मिला हुआ था। लेकिन प्रियंका की मोर्चेबंदी ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी मुकाबले के माहौल को कुछ हद तक बदल दिया। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे, यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है। प्रियंका गांधी चाहे रायबरेली में प्रचार करें या फिर देश के किसी भी कोने में, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। प्रधानमंत्री पर प्रियंका एक के बाद एक डायरेक्ट अटैक कर रही हैं और उसका जवाब मोदी अपने खास अंदाज में दे रहे हैं। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं ये पद, इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं। और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। वहीं समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव का भी अपना क्रेज है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें डिंपल भाभी बोलते हैं। वो जो कहती हैं उसे सुनते हैं। मैनपुरी में इलेक्शन तक तो वहीं लॉक थी, लेकिन अब यूपी की और सीटों पर भी प्रचार की कमान थामे हुए हैं। देखिए कैसे आजमगढ़ में प्रचार मंच से डिंपल का अलग ही अंदाज नजर आया। पवित्र पावन धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। आपने कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कई बार एक मंच पर देखा होगा। दोनों के जीत के दावे सुन चुके हैं, कई बार तो उनको बिना भाषण दिए ही बैरंग लौटते भी देख चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी और योगी की जोड़ी का जलवा किसी से छिपा नहीं। वहीं अगर रैली यूपी में हो तो इस जोड़ी का करिश्मा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे।
देते थे नहीं देते थे, हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे पैसा आपका प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में, और कोई भी गांव की जमीन है किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन चार लोग टोपी पहनकर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चपका देते थे कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे यहां, रोज लड़ते थे, लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है। अगले दो चरण में देश की कुल 114 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो यूपी में 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें से 24 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर अपना दल एस और 1 सीट पर राजभर की पार्टी के प्रत्याशी मैदान में। वहीं समाजवादी पार्टी 22 सीट पर उम्मीदवार उतारे हुए है तो 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी के साथ साथ डिंपल यादव भी इन सीटों पर कैंपेनिंग में उतर गई। लेकिन सबसे अधिक चर्चा प्रियंका और डिंपल के एक साथ वाले रोड शो की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में होने जा रहा है। वाराणसी के सियासी अखाड़े में अब दीदी और भाभी की एंट्री होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए प्रियंका गांधी और डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरेंगी। प्रियंका और डिंपल यादव शनिवार को वाराणसी में रोड शो करेंगी और ये रोड शो दुर्गा कुंड से शुरू होकर दलित आस्था के सबसे बड़े केंद्र संत रविदास के मंदिर तक जाएगा।